बिल्कुल ठंडा हो चुका था और मैंने इसे प्लेट पर निकाल दिया है। दोस्तों मुझे तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही इसे कट करने की। देखिए दोस्तों, फिर भी मैं इसे कट करके आपको बताती हूँ कितना स्पंजी बना है ये ढोकला। आप चाहे तो कोई भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा दिखता है ये दिखने में भी और खाने में भी। देखिए कितना स्पंजी ढोकला बना है दोस्तों। तो 2 घंटे हो चुके हैं। आप चाहे तो दाल को इस तरीके से दबा के नाखून से देख लीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से दाल बिल्कुल अच्छी तरीके से टूट जा रही है, मतलब ये अच्छी तरीके से फूल चुका है। अब दोस्तों मैं इसे मिक्सर ग्राइंड में मिक्स अच्छे से पीस लेती हूँ। तो इसका बिल्कुल सूजी की तरह बेटर तैयार हो चुका है, बिल्कुल रवा तरीके से। इस तरीके से आपको तैयार करना है दोस्तों। आप चाहें तो आधा घंटा इसे रेस्ट करने रख सकते हैं या फिर अभी तुरंत बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे आधा घंटा और फूलने के लिए रख देती हूँ। दोस्तों आधा घंटा हो चुका है, घोल मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ और थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए और ज़रा सा सोडा। ये सोडा है खाने का, मीठा सोडा दोस्तों। और इसे मैं जल्दी जल्दी एक डायरेक्शन में फेंट लेती हूँ इस तरीके से। दोस्तों अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया है। अब जब जरा सी शक्कर डालती हूँ और तुरंत ही मैं इसे थाली में रख देती हूँ अच्छी तरीके से। मैंने थाली में पहले से ग्रीस कर लिया था और ये घोल मैं तुरंत डाल देती हूँ इसमें इस तरीके से। और मैं इसे 15 से 20 मिनट एक बर्तन में मैंने पानी गर्म करने रख दिया था। और मैं ढोकला का घोल इस तरीके से चढ़ा देती हूँ। इस तरीके से मैंने घोल चढ़ा दिया है और इसमें एक थाली ढक देती हूँ मैं दोस्तों 15 से 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम में और 5 मिनट लो फ्लेम में रख देते हैं। तो 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके वजन और ये ढक्कन निकाल के देखती हूँ ढोकला तैयार हुआ है कि नहीं। ढोकला परफेक्ट तैयार हो चुका है दोस्तों। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ और तड़का की तैयारी करती हूँ दोस्तों। दोस्तों मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया है। मैंने एक प्लेट पर तिल, हरी मिर्च, सरसों और मीठा नीम पत्ती ले लिए है और मैं धीरे धीरे कर इसे तेल पे छोड़ देती हूँ इस तरीके से। ये अच्छे से बघार तड़पने लगा है दोस्तों। दोस्तों मैं इसमें बहुत ज़्यादा धनिया पत्ती डालना चाहती हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही प्यारा आएगा। और इसे 2 मिनट मैं सिकने देती हूँ अच्छी तरीके से। दोस्तों तड़का बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब मैं धीरे धीरे कर इस ढोकले के ऊपर डाल देती हूँ इस तरीके से। दोस्तों याद रखिए, कभी भी ढोकला ठंडा होता है तभी आप इसे कट करिए और बाहर निकालिए। देखिए दोस्तों कितना प्यारा ढोकला तैयार हुआ है। वो भी 2 घंटा और आधा घंटा मैंने सिर्फ इसे फुलो के रखा था। स्टंट ढोकला है दोस्तों, आप चाहे तो कभी भी बना सकते हैं इसे।